नमस्कार, मेरा नाम है मित्र, गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं डिटेल कंपैरिजन रेडमी नोट 7 प्रो और सैमसंग के गैलेक्सी A50 के बीच में। और ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने हमसे ये पूछा है कि क्या उन्हें रेडमी नोट 7 प्रो को लेना चाहिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी A50 को लेना चाहिए। हालांकि इन दोनों ही फ़ोन्स की प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि रेडमी नोट 7 प्रो का आपको 4GB रैम और 64GB वेरियंट देखने को मिलता है लगभग 14,000 की प्राइस में, जबकि सैमसंग के गैलेक्सी A50 का जो प्राइस है वो है लगभग 20,000। तो यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस तो है, लेकिन फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि Redmi Note 7 Pro और Samsung के Galaxy A50 में से कौन सा फ़ोन बेटर है। तो चलिए करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन और आपको बताते हैं कि दोनों में से आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर है। उससे पहले आपको बताते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स के बीच में हमने परफॉर्मेंस कंपैरिजन अपने दूसरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं दोनों ही फ़ोन्स के बीच में, तो आपको कार्ड्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि कौन सा फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी A50 या फिर रेडमी नोट 7 प्रो। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन की डिज़ाइन की, क्योंकि आप जानते हैं कि डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए, और सब लोगों को आज अट्रैक्टिव दिखने वाले फ़ोन्स ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं दोनों ही फोन्स के बैक डिजाइन की, तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलते हैं। जी हाँ, दोनों ही फोन्स के डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम हैं, और ऐसे डिजाइन अगर हम कुछ समय पहले की बात करते थे तो लगभग 25,000 से 30,000 रुपए के फोन्स में हमें देखने को मिलता है, लेकिन अब हमें मिड रेंज फोन भी ऐसे ही डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग के गैलेक्सी A50 की, तो ये फ़ोन आपको देखने मिलता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना हुआ। जी हाँ, इसका जो बैक है वो आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना हुआ देखने मिलता है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लैशी है। जहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट टाइप के कलर देखने मिलते हैं, कुछ अलग अलग कलर देखने मिलते हैं, जब भी यहाँ पर आपको लाइट रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है, तो नो डाउट काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमको देखने मिल रहा है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं रेडमी नोट 7 प्रो की, तो ये आपको मिलता है ग्लास बॉडी के साथ में डिज़ाइन, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम है। लेकिन अगर हम बैटर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो होने वाला है सैमसंग का गैलेक्सी A50। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ड्यूरेबल की, तो वो होगा रेडमी नोट 7 प्रो, क्योंकि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको देखने मिल जाता है बैक साइड भी। जबकि अगर मैं बात करता हूँ अट्रैक्टिव की, तो वो होने वाला है सैमसंग का गैलेक्सी A50। फ्रंट डिज़ाइन की बात करते हैं तो वो दोनों ही फ़ोन्स ऑलमोस्ट सेम देखने वाले हैं। जी हाँ, दोनों ही फ़ोन्स में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच, या फिर आप कह सकते हैं इन्फिनिटी यू नॉच, या फिर आप कह सकते हैं डॉट नॉच, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, मतलब आपको एक छोटा सा नॉच देखने को मिलने वाला है। तो दोनों ही फोन्स का जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है फ्रंट साइड से। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेजल साइज की, हेड की, चिन की, तो वहाँ पर आपको कम देखने को मिलेंगे ये सारी चीज़ें गैलेक्सी A50 में। तो यहाँ पर हम गैलेक्सी A50 में ये कह सकते हैं कि आपको फुल व्यू डिस्प्ले का जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं रेडमी नोट 7 प्रो के लिए कि यहाँ पर जो फ्रंट डिज़ाइन है वो अच्छा देखने को नहीं मिलता है, उसका रीज़न है इसके बड़े बड़े बेजल्स और बड़ा चिन और हेड। तो यहाँ पर अगर मैं डिज़ाइन की बात करता हूँ, तो डेफिनेटली सैमसंग का गैलेक्सी A50 रेडमी नोट 7 प्रो से आगे है। लेकिन अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करता हूँ, तो वहाँ पर रेडमी नोट 7 प्रो आगे है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक साइड दोनों ही साइड आपको देखने मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। अब अगर हम बात कर रहे हैं दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की, तो यहां पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जी हां, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में बता चुके हैं कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले और आईपीएस डिस्प्ले में हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने मिलता है, और यही डिफरेंस आपको इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A50 में यूज किया जाता है सुपर एमोलेड पैनल, और अगर हम बात कर रहे हैं रेडमी नोट 7 प्रो की, तो यहां पर हमको देखने मिलता है एक आईपीएस डिस्प्ले। और आप देख सकते हैं दोनों ही फोन्स की जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस है उसमें हमें कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बार फिर से विनर होता है सैमसंग का गैलेक्सी A50। दोनों ही फोन्स में आपको बता दें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्क्रीन साइज की, तो दोनों ही फोन्स आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले के साथ में। 6.3 इंचेस का स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलता है रेडमी नोट 7 प्रो में, जबकि 6.4 इंचेस का स्क्रीन साइज आपको देखने को मिल रहा है सैमसंग का गैलेक्सी A50 में। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि सैमसंग गैलेक्सी A50 काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इस फोन का परफॉर्मेंस। जी हाँ, अभी हम जब भी फोन को खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में रखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। आपको बता दें रेडमी नोट 7 प्रो में हमें देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट, जबकि अगर हम बात कर रहे हैं सैमसंग A50 की, तो ये आपको मिलता है एक्सीनोस का 9610 चिपसेट।
हालांकि दोनों ही चिपसेट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैटर की, तो वो होने वाला है ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 675। जी हाँ, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमने इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑलरेडी कर दिया है अपने दूसरे चैनल पे, जहाँ पे साफ साफ विनर हमको देखने मिलता है रेडमी का नोट 7 प्रो। और आप जाके एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर क्लियर हो पाएंगे कि कौन सी चीज़ में कौन सा फ़ोन आपको बेटर देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों ही फ़ोन्स की अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, तो डेफिनेटली विनर होने वाला है रेडमी नोट 7 प्रो, जो कि कहीं आगे है सैमसंग के गैलेक्सी A50 से। और अगर हम बात कर रहे हैं दोनों ही फोन्स के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो वहां पे भी विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 675 या फिर आप कह सकते हैं रेडमी नोट 7 प्रो। जी हाँ, हम दोनों ही फोन्स में HD ग्राफिक सेटिंग और हाई फ्रेम रेट पे गेम्स को प्ले कर रहे थे, जहां पे हमें रेडमी नोट 7 प्रो में बहुत ही माइनर से लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले, जबकि सैमसंग के गैलेक्सी A50 में इस सेटिंग पे काफी ज्यादा लैग देखने को मिले। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैलेंस ग्राफिक सेटिंग की, तो वहां पे दोनों ही फोन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम सा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट सेटिंग की, जो कि अवेलेबल है दोनों ही फोन्स के लिए, जो कि है हाई फ्रेम रेट और HD ग्राफिक, तो वहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था रेडमी नोट 7 प्रो। तो ये बात साफ है कि अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों ही फोन्स में से कोई फोन चूज करना है, तो उसका आपको एक ही ऑप्शन देखने मिलता है, जो कि है रेडमी नोट 7 प्रो। हालांकि सैमसंग गैलेक्सी A50 भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है अगर हम कंपैरिजन किसी और फोन से कर रहे हैं, लेकिन आज कंपैरिजन हो रहा है रेडमी नोट 7 प्रो और सैमसंग A50, तो यहां पे मैं कहूंगा कि रेडमी नोट 7 प्रो आगे है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है कैमरा। आपको बता दें रेडमी नोट 7 प्रो में हमें देखने मिलता है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप, जो कि है 48+5 मेगापिक्सल का और काफी हाई वाला कैमरा है। जी हाँ, 48 मेगापिक्सल का कैमरा आज से पहले इस प्राइस में कभी हमको देखने को नहीं मिला था, जबकि अगर हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A50 में, तो यहां पर भी कैमरा एक की हाईलाइट फीचर है, क्योंकि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहां पर मैं आपको स्पेसिफिकेशन में कंफ्यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट दिखाता हूं कैमरा सैंपल्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पिक्चर्स ली गई हैं वो ऑटो मोड में ली गई हैं, और हम यूज कर रहे हैं रेडमी नोट 7 प्रो का 48 मेगापिक्सल का कैमरा बोर्ड, जबकि आपको सैमसंग के जो गैलेक्सी A50 है यहां पर 25 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है वो देखने को मिलता है। तो यहां पर मुझे दोनों ही फोन्स की जो कैमरा पिक्चर्स हैं वो काफी अच्छी देखने को मिली हैं। जी हाँ, काफी क्लियर इमेजेस हैं, लेकिन हम गौर से इमेजेस को देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं रेडमी नोट 7 प्रो में आपको जो इमेजेस देखने को मिलती हैं वो काफी ज्यादा ब्राइट हैं। जी हाँ, जो कलर्स हैं वो काफी अच्छे पंची कलर्स हमको देखने मिल रहे हैं, जबकि गैलेक्सी A50 की इमेजेस में थोड़े से जो कलर है वो डल हो जाते हैं। अब इसका रीजन ये है कि रेडमी नोट 7 प्रो में यूज किया गया है सोनी का IMX586 सेंसर, जो कि एक फ्लैगशिप कैमरा सेंसर है, तो डेफिनेटली यहां पर हमें ये डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि यहां पर रेडमी नोट 7 प्रो की जो पिक्चर्स थी वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर हमको देखने मिली, लेकिन सैमसंग A50 में आपको एक सेंसर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप वाइड एंगल फोटोज ले सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मुझे देखने को मिलता है सैमसंग के A50 में। हालांकि अगर हम बात कर रहे हैं दोनों ही फोन्स की पोर्ट्रेट और सेल्फी पिक्चर्स की, तो यहां पर दोनों ही फोन्स में विनर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहां पर दोनों ही फोन्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सेम पिक्चर्स हमको देखने को देते हैं। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि एक स्टेप आगे है रेडमी नोट 7 प्रो का कैमरा, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A50 का कैमरा भी काफी अच्छा है। चलिए अब चलते हैं और आगे की तरफ और बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की। तो आपको बता दें दोनों ही फोन्स में हमें देखने मिलता है 4000 mAh का बैटरी। दोनों ही फोन्स का हमने बैटरी चार्जिंग टेस्ट और बैटरी डिसचार्जिंग टेस्ट भी ऑलरेडी कर दिया है। जहां पर अगर हम बात करते हैं चार्जिंग टाइम की, तो हालांकि रेडमी नोट 7 प्रो सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4.0 को, लेकिन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है इसके चार्जर, तो हमने इसको चार्ज किया था क्विक चार्ज 3.0 से, जबकि सैमसंग को चार्ज किया था इसके इनबॉक्स चार्जर से, जो कि 15 वोल्ट का चार्जर आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर दोनों ही फोन्स का जो चार्जिंग टाइम था वो ऑलमोस्ट सेम था, 2 घंटे में चार्ज हुआ था सैमसंग गैलेक्सी A50 और 2 घंटे और 3 मिनट में चार्ज हुआ था रेडमी नोट 7 प्रो। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अगर हम बात कर रहे हैं बैटरी डिस्चार्जिंग टाइम की, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। जी हाँ, लगभग 8 घंटे का स्क्रीन टाइम हमको देखने को मिला था सैमसंग के गैलेक्सी A50 में, जबकि लगभग 8.5 घंटे का स्क्रीन टाइम हमको देखने को मिला था रेडमी नोट 7 प्रो में। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा चल सकता है रेडमी नोट 7 प्रो का, जबकि अगर हम बात कर रहे हैं चार्जिंग टाइम की, तो वो दोनों ही फोन्स का ऑलमोस्ट सेम है। दोस्तों, अगर हम सिम स्लॉट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर
Redmi Note 7 Pro में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि अगर हम बात करते हैं Samsung के A50 की तो यहाँ पर ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं दोनों ही फोन्स की UI की, तो दोनों ही फोन्स आपको कस्टम UI के साथ में देखने को मिलते हैं। Redmi Note 7 Pro में आपको देखने को मिलता है MIUI 10, जबकि अगर हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy A50 की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है One UI। तो दोनों ही फोन्स के UI में आपको SH कोई भी प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। जी हाँ, दोनों ही UI काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हमें दोनों ही फोन्स की जो UI है उसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट की जरूरत देखने को मिली है। जी हाँ, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि Redmi Note 7 Pro में MIUI 10 बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, जहाँ पर आपको कुछ लैग देखने को मिलता है अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं। और ये हमने आपको अपने जो अपना फुल रिव्यू दिया था वहाँ पर भी बताया था, तो यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज की और ज़रूरत है। जबकि अगर हम बात करते हैं One UI के, Samsung के One UI की, तो वो एक नया UI है Samsung की तरफ से, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो SH कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है दोनों ही फ़ोन्स की UI में, लेकिन हाँ अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स को, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लैग देखने को मिल जाए। अब अगर हम बात कर रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स की सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ, Redmi Note 7 Pro में देखने को मिल जाता है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि रियर साइड में दिया गया है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy A50 की तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर। तो डेफिनेटली एक स्टेप आगे है Samsung का Galaxy A50, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फास्ट की, तो डेफिनेटली वो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो अगर आपको फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो Redmi Note 7 Pro के लिए है, लेकिन अगर आपको कुछ नया तरीका चाहिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी चाहिए फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए, तो उसके लिए फिर Samsung का Galaxy A50 है। तो ये दोनों ही फोन्स का एक डिटेल कंपैरिजन था, जहां पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं दोनों ही फोन्स में। हालांकि हम Redmi Note 7 Pro का एक फुल रिव्यू भी कर चुके हैं, वहां पर अगर आप Redmi Note 7 Pro के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको चाहिए Samsung जैसा ब्रांड, तो आपको 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, इससे पहले Samsung की तरफ से ऐसा डिवाइस हमको देखने को नहीं मिला था, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बहुत ही क्लियर स्पेसिफिकेशन के साथ में, अच्छी प्राइसिंग के साथ में हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको चाहिए, आपका बजट है लगभग 14,000 से 15,000 रुपये, और आपको चाहिए वैल्यू फॉर मनी डिवाइस, तो Redmi Note 7 Pro से अच्छा फ़ोन नहीं हो सकता। और अगर आप सारी चीज़ों को भूलकर इन दोनों डिवाइस में से लेना चाहते हैं कोई एक डिवाइस, जहां पर प्राइस, ब्रांड की सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Redmi Note 7 Pro, क्योंकि इसका प्राइस भी कम है और कुछ मामलों में ये Samsung के Galaxy A50 को बीट भी करता है। तो बस यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपके पास और कोई सवाल सुझाओ तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।